आपको कौन सा पाकिस्तानी बॉलर जो है वो ज्यादा तंग करता है? अगर मैं सूर्य कुमार की बात करूँ तो वो वन डाउन भी खेलते हैं, विच इज लाइक टॉप ऑर्डर। सैफी भाई आपको पता है हमेशा से मेरे कप्तान रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट करता है। अच्छा आप आजम लंबी लंबी हिट्स लगाते हैं, आप पाकिस्तान सुपर लीग में बॉलिंग की क्वालिटी की अगर हम बात करें तो एज़ कम्पेयर टू अदर लीग्स बहुत अच्छी नज़र आती है, आपको कौन सा पाकिस्तानी बॉलर जो है वो ज़्यादा तंग करता है? देखिए आपको पता है माशाल्लाह से पाकिस्तान में जितना बॉलिंग टैलेंट है उतना कम है, और हम लोग ये प्रीवियसली भी अंडर 19 वगैरह जब खेलते हुए आए थे तो बॉलिंग स्टैंडर्ड वहाँ भी अच्छा होता है, तो कोशिश यही होती है कि अच्छा से अच्छा परफॉर्म करें, अच्छी बॉलिंग के खिलाफ जितना आप अच्छा परफॉर्म करेंगे उतना आपका नाम होगा। और जहाँ तक तंग करने की बात है तो देखें बॉलर माशाल्लाह से सारे ही अच्छे हैं, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि जो भी अच्छा बॉलर है उसको डोमिनेट ज़्यादा किया जाए। अच्छा आजम लंबी लंबी हिट्स लगाते हैं, अगर हम देखें दुनिया भर की लीग्स में आपने अपने आप को प्रूव किया है, पाकिस्तान सुपर लीग के पिछले एडिशन में अगर हम देखें तो आपने लंबी लंबी हिट्स लगाई थी, तो कोई गोल कोई प्लान सेट किया हुआ है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा हिटर बनना है? यार शाहजेब भाई गोल बेसिकली यही होता है कि टीम को फ़ायदा पहुंचाया जाए, टीम की जहां पे रिक्वायरमेंट होती है, जैसे अगर मुझे एज अ फिनिशर का भी रोल देते हैं तो मेरी कोशिश है कि मैं मैच फिनिश कर कराऊं, अगर मुझे ओपनर भेज दूँ तो मेरी कोशिश है कि टीम को अच्छा स्टार्ट लेके दूं, क्योंकि आपको पता है कि इंडिविजुअल माइलस्टोन्स अच्छे लगते हैं आपको ज़िंदगी में, लेकिन इट डजंट रियली मैटर टू मी। मेरी कोशिश हमेशा ये होती है जहाँ टीम को फ़ायदा पहुंचाना हो वहाँ टीम को फ़ायदा पहुंचाया जाए। अच्छा आप जिस नंबर पर बैटिंग करते हैं दुनिया भर में हमें उस नंबर पर बड़े बड़े हिटर्स खेलते हुए नज़र आते हैं, भारत की टीम में सूर्य कुमार यादव खेलते हैं और दीगर टीम्स में बड़े बड़े हिटर हैं, तो किसी ऐसे प्लेयर से आप इंस्पायर हैं कि जो इंटरनेशनल स्टेज पर इतना बड़ा परफॉर्म कर चुके हों या कर रहे हों उस वक्त? देखिए जहाँ तक बात है कि जिस नंबर पर मैं खेलता हूँ उस नंबर पर काफ़ी आपको पता है एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है, या तो आपके 40 पे चार आउट हुए हुए होते हैं या तो आपके 180 पे दो आउट हैं या 160 पे दो आउट हैं, तो आपको जाके मैच फिनिश करना है, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट रोल होता है, और इसमें कोशिश यही की जाती है कि टीम को वही बात है कि फ़ायदा पहुँचाया जाए कि आप लंबा भी खेल सकते हैं और आपको फिनिश भी करके देना होता है। लेकिन मैं ज़्यादातर आजकल जो इंस्पायर हूँ वो मैं कहूँगा कि टिम डेविड एक फ्रेंचाइज क्रिकेट में एक ऐसे बैट्समैन है जो बहुत लंबी लंबी हिट्स मारते हैं, और वो मुझे उनका आइडिया पता है उनके बैटिंग रोल का क्योंकि मैं उसी नंबर पे खेलता हूँ, क्योंकि अगर मैं सूर्य कुमार की बात करूँ तो वो वन डाउन भी खेलते हैं विच इज़ लाइक टॉप ऑर्डर, तो मैं स्पेसिफिकली अगर बात करूँ जो आजकल फ्रेंचाइज क्रिकेट में जो बहुत हिट हैं विच इज़ टिम डेविड। अच्छा अगर हम पाकिस्तान सुपर लीग की बात करें तो पहले आप सरफराज अहमद के अंडर खेल रहे थे, अब आप शादाब खान के अंडर खेल रहे हैं, सरफराज एक्सपीरियंस है, शादाब यंगस्टर हैं, ऑल्दो के पाकिस्तान के वाइस कैप्टन भी है, दोनों की कप्तानी में क्या फ़र्क देखा आपने? देखिए सैफी भाई आपको पता है हमेशा से मेरे कप्तान रहे हैं और मैं उनका हमेशा से उनकी रिस्पेक्ट करता आया हूँ, और मैं सिंध में भी सबसे पहला जो मेरा साल था पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर मैं सिंध में उनकी कप्तानी में खेला, और शादाब के अंदर भी वही सिमिलर चीज़ें हैं कि एक लीडरशिप रोल उसको अदा करना आता है, और क्योंकि आपको पता है सैफी भाई शादाब ये लोग सारे साथ ही खेले, और जिस तरह शादाब और सैफी भाई का भी बॉन्ड है तो यही लगता है कि सैफी भाई जैसा ही एक कैप्टन है, और कोशिश यही होती है कि जो शादाब हमसे रिक्वायर कर रहा है ग्राउंड के अंदर हम उसको पूरा करें।